जाम खोलता जी लोग हिंदी चाहिए पंजाबी हिंदी हिंदी सर ऐसा है हर इंसान के जहन में पंजाब में एक ही शब्द है बदलाव चेंज एंड चेंज इज नॉट नेसेसरली प्रोग्रेस बदलाव नेसेसरली प्रोग्रेस नहीं होता लेकिन अगर वो जीवन बेहतर कर दे और प्रगति की ओर चला जाए तो फिर जो बेहतर है उसे स्वीकारा सबने और आज मुद्दा ये है कि अगर पंजाब में माफिया मरता है तो पंजाब की इनकम होती है और वो एक कल्याणकारी स्टेट में तब्दील हो सकता है। अब जो प्रूवन माफिया हैं वो सिद्धू को हराने यहाँ आए हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है हर रोज मिल रहा है। इनकी तरफ जाना इज अ रेट्रोगेट स्टेप। इनकी तरफ जाना मतलब आप पिछले 25 साल की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप प्रगति की तरफ नहीं विकास की तरफ नहीं आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी गठबंधन ने घोषणा की है असी हर जिले च नशा मुक्ति केंद्र खोलांगे ते सब नु रोजगार दे मौके भी देंगे मतलब हुन मिलेगा साडे बच्चों नु अच्छा माहौल। प्रबल टीएमटी सरिया तुहाडे भरोसे दा प्रतीक जर्मन टेक्नोलॉजी दे नाल बणिया नॉर्थ इंडिया दा नंबर 1 सरिया अ प्रोडक्ट ऑफ साल्सन स्टील्स। मैं सुनिया सी प्रीतम दी सेहत खराब है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਟੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੋ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ इस माफिया को जाना होगा। जिस पुल पे आप बैठे हैं आज से करीब करीब 10 साल पहले प्रकाश सिंह बादल के साथ मेरी लड़ाई हुई थी और मैं यहाँ मरण व्रत के ऊपर बैठने आया था। आपको सबको याद होगा जो अमृतसर से हैं। मैंने तय कर लिया मेरी घरवाली भी मुझे कहे नहीं 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 अपनी सरकार है लेकिन मैं दही दाव पे लगा के यहाँ आया था। बादल ने रात को इस्तकबाल किया और हर अखबार में खबर छपी कि ये पांचों पुल बनेंगे। ऐसा मीसना बुढ़ा है कि एक महीने बाद बदल गया। ये लोग नकारात्मक हैं लोगों के काम रोक देते हैं ताकि किसी को क्रेडिट ना मिले। ये क्रेडिट का सवाल नहीं आपने अमृतसर के लोगों के काम रोके और एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं दे आर कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड बादल्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो आया उसको मैंने 170 करोड़ रुपए दिए अमृतसर की जमीनें बिकी थी 170 करोड़ रुपए दिए पांचों पुलों के। उसने नीचे से मैसेज दे दिया सिद्धू के काम रोक दो। अरे सिद्धू के काम नहीं है ये श्री अमृतसर साहब के लोगों की सहूलियत के काम है। और आज देखिए ये कंप्लीट है। मैं जाके देख रहा हूं अगर आज ही शुरू करना पड़ा मैं आज ही शुरू कर देना है ताक। ये मेरा सपना था और ऐसे मैंने करीब करीब 12-15 पुल बनवाए। आप समझ लीजिए ये किचलू चौक भी तभी मैंने बनवाया था लेकिन एक फॉरेस्ट चौक बार बार अड़ंगा लगाते हैं। मतलब ये लकीर लंबी नहीं करते अपनी ये दूसरों की लकीरें मिटाते हैं। ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਆਸਾਨ ਲੋਨ ਦੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ।
प्रबल टीएमटी सरिया तुहाडे भरोसे दा प्रतीक जर्मन टेक्नोलॉजी दे नाल बनिया नॉर्थ इंडिया दा नंबर वन सरिया अ प्रोडक्ट ऑफ सालसन स्टील्स। They want to swim in the red ocean. मारो काटो लोगों के काम रोक दो क्रेडिट किसी लीडर को उठने मत दो तो ये इनकी राजनीति है। इसलिए प्रगतिशील राजनीति के लिए ये मेरा अमृतसर के लिए ईस्ट के लिए मैंने क्या किया और आगे पांच साल में क्या करूंगा। सिद्धू एक दूसरे को ऊट पटांग बोल के मुद्दों से भटकाने नहीं आया। सारी उम्र मैंने मुद्दों पे पहरेदारी की है और आने वाले समय में भी सवाल मुद्दों के ही होंगे और मुद्दे मैं उठाता रहूंगा। सबसे बड़ा सवाल है कि हम माफिया को ख़त्म करेंगे या नहीं, क्योंकि वो माफिया के जेब में जो पैसे जाते हैं वो अगर स्टेट के खजाने में आते हैं तो पंजाब खुशहाल हो जाएगा, खुशहाली की राह पे चल देगा। और एक बार उल्टी राह पे चल दो तो सीधी राह पे आना मुश्किल होता है, लेकिन उसका रोड मैप गेम प्लान दिया है। देखिए, एक तो हमारी महिलाओं को मिलेगा सम्मान, बेटियों को मिलेगी पढ़ाई और हर पड़ाव पे इनाम और सम्मान। शिकायत निवारण प्रणाली, मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क, 170 सरकारी सुविधाएं फ्री आपके कंप्यूटर पे, डिजिटल पंजाब में। मजदूर भलाई अते शहरी रोजगार दी गारंटी, 5 लाख रोजगार हर साल, 1 लाख हर साल, 1 लाख 6 महीने में छोड़ के सारे कच्चे मकान पूरे। ये सरकारी जो कुछ भी है ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये देखो, ये 13 पॉइंट है जो मैंने कहा था बाबा नानक के नाम पे 13 13 13, ठीक है। उसके आगे अमृतसर ईस्ट के लिए क्या किया और क्या करने जा रहा है, ये सारा आपके साथ पड़ा है। अब मैं ये भंडारी पुल जाके देखूंगा और ये मैं आपको बता दूं कि बादलों की तरफ और कैप्टन की तरफ जाना मतलब बैक गियर लगाना, और अगर बदलाव की तरफ जाना है तो ये शख्स सामने खड़ा है प्लान के साथ, नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आप ऊपर ईमानदारी बिठाएंगे, ईमानदारी नीचे तक जाएगी, और ऊपर आपने चोर बिठा रखे थे 25 साल, नीचे तक जाती है। और आम आदमी पार्टी की तरफ जाना आपके सामने ही आ जाएगा।